कर्नाटक में बड़े सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस के समर्थन से जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी ने 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन उनकी कैबिनेट का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया। सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी सोमवार को दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गृह, वित्त, सिंचाई समेत कई अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जबकि जेडीएस वित्त मंत्रालय सीएम कुमार स्वामी के पास रहने देने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक दोनों पार्टियों के बीच विभागों को लेकर जो फार्मूला तय हुआ, उसके मुताबिक जेडीएस के खाते में पीडब्ल्यूडी के तौर पर मुख्य विभाग दिया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि भी जेडीएस को दिए जाने पर विचार हुआ, जबकि कांग्रेस प्रमुख विभागों पर कब्जा रखना चाहती है। कांग्रेस वित्त, गृह, पावर, सिंचाई और ग्रामीण मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। दोनों पार्टियों में वित्त मंत्रालय को लेकर बात फंसी है। जेडीएस चाहती है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के पास रहे। इसके अलावा कुछ और प्रमुख विभाग भी उनके लिए मांगे जा रहे हैं। कर्नाटक के कैबिनेट में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और जेडीएस नेताओं के बीच बातचीत हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, एचडी रेवन्ना, अहमद पटेल, डीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धि रमैया और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक के बाद कुमार स्वामी ने कहा कि बैठक काफी सकारात्मक रही।